झारखंड इंडिया पर और मैं हूँ आपके साथ कुमारी काजल। तो आज झारखंड की कुछ खास खबर पर नजर डालेंगे। झारखंड में आज अनलॉक वन का छठा दिन है, लेकिन झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि रांची में आज 3 नए मरीजों मिलने से झारखंड में टोटल मरीजों की संख्या अब 952 हो चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि टोटल मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। वहीं झारखंड में अब शादी पर कुछ राहत प्रदान की गई है। जी हां, अब शादी जो होती थी पहले तो उसमें एसडीओ की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब किसी भी तरह का जो प्रशासनिक जो अनुमति लेना पड़ता था, अब वो अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो राहत प्रदान की गई है, इसमें नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होगा। वर वधु को लगातार अपने नियमों के पालन के साथ ही शादी समारोह में शामिल होना है और शादी को समापन करना है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि झारखंड के लिए एक बेहद दुखद की बात ये है कि पहले जो झारखंड के 24 जिले थे, उसमें से 24 जिले संक्रमित नहीं थे, लेकिन अब 24 के 24 जिले ही कोरोना से संक्रमित हैं। वहां एक ना दो या फिर किसी तरह का जो मरीज है वो सामने आए हैं, इससे पूरा जो राज्य है वो संक्रमित हो चुका है। इसी के बीच हम आपको बता दें कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, उससे एक गड़बड़ी हो गई है। जी हाँ, एक गड़बड़ी के कारण 8वीं का जो रिजल्ट था, उसमें जो विद्यार्थी अनुपस्थित हुए थे परीक्षा में, उन्हें ए ग्रेड मिल गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो धनबाद से मिल रहे हैं। इसमें जैक ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा है कि इससे किसी भी बच्चे की जो भविष्य है उस बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो सिर्फ स्कूल ही खोल सकते हैं। इसके कारण जो बच्चे का रिजल्ट है वो सही मिलेगा और बच्चे का जो भविष्य खराब नहीं होगा, और इसमें चिंता करने की किसी भी तरह की जो चिंता है वो करने की जरूरत नहीं है। वही हम आपको बता दें कि झारखंड में सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो प्रवासी मजदूरों या फिर प्रवासी के जो लोग हैं उससे नजर आई है। जी हाँ, जहाँ राज्य में टोटल जो मरीज हैं वो 952 है, लेकिन उसमें से जो 654 जो मरीज हैं वो प्रवासी हैं, यानी कि जो लोग 1 मई के बाद झारखंड में दूसरे राज्यों से लौट कर आए हैं, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इस तमाम खबरों के साथ लगातार बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगती है और इस तरह की खबर आप सुनना चाहते हैं, तो समाधान इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें, और अगर ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें। और अगर इस तरह की जो खबरें हैं, इसमें से किसी भी तरह की जो सलाह है या फिर देना हो, सुझाव देना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।